Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ड्रोन हमला हुआ, एक रवायती कंडेमनेशन भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई। ब्रिक्स की आखिरी मीटिंग हिंदुस्तान में हुई। हमाकार किस मर्ज की दवा है? ब्रिक्स इजलास में भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद कैसे मंजूर कराई? चौधरी निसार का पारा हाई, अपनी ही हुकूमत पर कर दी चढ़ाई। कहते हैं दुश्मन कामयाब हो गया, हमारे सिफारतकार सोए रहे, इस मर्ज की दवा है। सिफारतकारी कोई ऑफ एंड ऑन नहीं होती, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पे सिफारतकारी नहीं होती, इट्स अ 24-hour जॉब। हमारे सिफारतकार किस मर्ज की दवा है? उन्होंने कहा ड्रोन हमले हमारी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान है। चार साल वजीर दाखिला रहने वाले चौधरी निसार के अपनी ही हुकूमत पर वार। ऐवान में खिताब के दौरान ओपोजिशन रहनुमा की तरह वजीर आजम और गुजरा को भी खूब लताड़ा। हुक्मरान जमात के अहम रुकन ने हुकूमत से ही मुतालबात कर डाले। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया, आलमी इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए रहेगा। वजीर आजम की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। माइक पेंस कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए नई राहें तलाश कर रहे हैं। ताइवान के साथ किसी किस्म का सरकारी या गैर सरकारी राबिता नहीं रखा जाएगा। शिमाली कोरिया समेत ऐसे ममालुका कशीदा हैं, उनसे राबिते के लिए दफ्तर खारिजा और वजीर आजम हाउस से पेश की इजाजत लेना होगी। वुज़रा सरकारी अफसरान और सिफारतकारों के लिए हिदायतनामा जारी। स्विट्जरलैंड की सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का मामला, चेयरमैन सेनेट का स्विस सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। कहते हैं गोरी चमड़ी पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रही है और इल्जाम हम पर थोपा जा रहा है, दफ्तर खारजा संजीदा इकदाम करे। हुक्मरान जमात को एक और मुश्किल दरपेश, आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम। वजीर खजाना के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए के जमानती मसलके जमा कराने का हुक्म। समन वजारत खारिजा, असासे मुंजमद नहीं किए गए, समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा मजीद तंग, नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा, कहा जीआईटी रिपोर्ट में नए शवाहिद सामने आए, केस की असर नौ समाप्त की जाए, अपील दायर करने के लिए कानूनी में भी खत्म की जाए। नून लीग के लिए परेशानियां, कप्तान के लिए आसानियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के खिलाफ जारी करदा वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। तौहीन अदालत की कार्रवाई रोकने की पीटीआई की सदा मुस्तरद, इमरान खान को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का काम वो अदालत थोड़े है, उसका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हों, इमरान खान का रद्द अमल। कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में हुई, कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान मुल्की सियासत का कैंसर है, वो आमिरों का चमचा रहा। पीपी रहनुमा निसार को की प्रोग्राम फैसला आपका में गोलाबारी। इमरान
खान पाकिस्तान की सियासत में कैंसर है। कैंसर है, इसलिए आपके वो आमरों का चमचा है, वो आमरों का चमचा रहा है, गैर जमहूरी शख्स है। एनआरओ किसने किया था भाई साहब? अब सुनो ना, आपने किया था ना? सुनो ना, आपने किया था? किसने किया था एनआरओ? चमचागिरी किसने की? सुनो, मौलाबख्श चांदियो भी कप्तान पर बरस पड़े, कहा कि इमरान खान अपने गंदगी अपने साथ लाए। नाकाम सियासतदान चोर दरवाजे से बरसरे इख्तदार आना चाहते हैं। मुल्क में जम्हूरियत की बुनियादें मजबूत हैं, अब कोई पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार नहीं दे। दाखिला एहसन इकबाल का शब कदर में पासिंग आउट परेड से खिताब। साहिवाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो, तंगाल में पार्टी परचमों की बहार, पार्टी तरानों पर जियालों का रक्स, रहनुमाओं के खिताब भी जारी। के मुस्तकबिल और तालीम से खिलवाड़, 8 साल में 1000 अरब से जायद खर्च करने की दावेदार। सिंध सरकार निजाम तालीम में कोई बेहतरी ना ला सकी। तालीम की जबूहाली पर आज न्यूज अवाम की आवाज बन गया। कराची से कश्मीर तक स्कूलों की बदहाली और वीरानी बरकरार, रिकॉर्ड में मौजूद सैकड़ों स्कूल जमीन पर गायब। सिंध में तालीम की सूरत हाल अलमिये से कम नहीं, स्कूलों की हालत देखकर रोना आता है। नुसरत सहर अब्बासी की आज न्यूज से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नीयत ठीक न हो तो मसाइल हल नहीं हो सकते। कहा कि मुल्क में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सिंध में है। आयशा भवानी कॉलेज की मिल्कियत का तनाजा बरकरार, तलबा ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। तनाजा हल होने तक तदरीसी अमल जारी रखने की इस्तदा, समाप्त कल होगी। असातिज़ा और अमले की तनख्वाहें रोकने से मुतालिक सवाल का जवाब न मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आ रहा, अपोजिशन का वॉकआउट। कराची में एक ही दिन में आतिशजदगी के दो बड़े वाकयात, पटेल पाड़ा में 4 मंजिला गोदाम में खौफनाक आतिशजदगी, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह। में निजी कंपनी के गोदाम में धमाके के बाद लगने वाली आग ने एक जिंदगी निगल ली। सावित वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे और बेनजीर भुट्टो के मुर्तजा भुट्टो के कत्ल को 21 बरस बीत गए। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का जलसा। सेंट्रल जेल हरिपुर में मशाल खान कत्ल केस की समाप्त, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 7 गवाहों के बयान रिकॉर्ड, समाप्त 27 सितंबर तक मुलतवी। कहते हैं मुकदमे की समाप्त से मुतमइन हूं, सूबाई हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बीपी को जो टीम दी है उस पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करके, लेकिन साथ ये मुतालिबा भी करते हैं कि हमारा सवाल भी पूरा करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान फारूक कत्ल केस में फैसला महफूज कर लिया। कत्ल पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं हुआ, 780A की दफा खत्म की जाए, बैरिस्टर सैफ की इस्तदा। शिमाली वजीरिस्तान में खेलों के मैदान फिर आबाद, ISPI शाम में पाकिस्तान 11 और UK मीडिया 11 कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के लिए PCB और पिशावर जलमी ने तआवुन किया है। मैंने कभी कुछ नहीं किया। बुरा काम बुरा अंजाम, PSL फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ पर साथियों को उकसाने समेत तमाम 6 इल्जाम साबित हो गए। खालिद 5 साल के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद,
10 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। आशारिया एक शिद्दत के जलजले ने मेक्सिको सिटी उजाड़ दिया, हंसते बसते घर उजड़ गए। 21 बच्चों समेत 217 हलाकतों की तस्दीक, सैकड़ों अफराद जख्मी हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुंबई में शदीद बारिशों से निजाम जिंदगी बरहम बरहम, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे सुबह 6 बजे तक के लिए बंद। अंदरूने और बैरूने मुल्क की दर्जनों परवाजें मंसूख, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, ट्रेनों की आमद और रफ्त भी ताखीर का शिकार। मॉस्को में AK-47 राइफल के खालिक मिखाइल क्लाशनकोफ के मुजस्मे की रोनुमाई, 30 फीट बुलंद मुजस्मा आवेजा। ड्राइविंग का मसला न बार बारने की फिक्र, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मोटर शो में जदीद और बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां तवज्जो का मरकज।